अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस सादिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू क्लास 12 मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शंस। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्टीन्यूस एंड डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शंस। तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास वन साइडेड लिमिट्स। जब भी लिमिट x अप्रोचेस c f of x को डिफाइन किया जाता है, हम x को एक ऐसे ओपन इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं जिसमें c इंक्लूडेड हो, और इसका मतलब ये है कि c के दोनों साइड्स पे फंक्शन का बिहेवियर इन्वेस्टिगेट किया जाता है। लेकिन समटाइम्स हमारे पास ऐसे भी केसेस होते हैं जिनमें x नंबर c को या तो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा होता है या फिर राइट साइड से अप्रोच कर रहा होता है। अगर x c को लेफ्ट साइड से अप्रोच करे तो उसे कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसके अलावा अगर x c को राइट साइड से अप्रोच करे तो उसे कहते हैं राइट हैंड लिमिट। पहली वन साइडेड लिमिट है द लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस c फ्रॉम द लेफ्ट। अब यहाँ पे ये जो c के ऊपर माइनस का साइन है, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स c फ्रॉम द लेफ्ट। अगर हमारे पास ये लिमिट l के इक्वल है तो इसका मतलब ये है जो x है वो c के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है लेकिन c से लेस है, क्योंकि x c को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से। एंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ x कैन बी मेड एज क्लोज एज वी प्लीज टू l। तो ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे राइट हैंड लिमिट को। लिमिट x अप्रोचेस c फ्रॉम द राइट, f ऑफ x इज इक्वल टू m। अब यहाँ पे c के ऊपर ये जो प्लस का साइन है, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स c फ्रॉम द राइट। तो यहाँ पे जो x है वो c के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है लेकिन c से ग्रेटर है, बिकॉज x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स c फ्रॉम द राइट एंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ x कैन बी मेड एज क्लोज एज वी प्लीज टू m। तो ये है हमारे पास राइट हैंड लिमिट। प्रीवियसली हमने जिन रूल्स को अप्लाई करके लिमिट्स कैलकुलेट की हैं, सेम उन्हीं रूल्स को यूज करके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट x approaches c f of x this is equal to l if and only if limit x approaches c from the left f of x this is equal to limit x approaches c from the right f of x This is equal to L। एक फंक्शन की लिमिट सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगी जब राइट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल होंगी, और यहाँ पे जो कन्वर्स है दैट इज ऑल्सो ट्रू, विच मीन्स इफ राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल देन द लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर वन। डिटरमाइन वेदर लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x एंड लिमिट x अप्रोचेस फोर f ऑफ x एग्जिस्ट व्हेन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2, f ऑफ x इज इक्वल टू 7 माइनस x इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 and x is less than and equal to 4, f of x is equal to x if x is greater than and equal to 4 and x is less than and equal to 6।
अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये चेक करेंगे वेदर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट और नॉट। अब यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाए देन हमारे पास ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फ्रॉम द लेफ्ट एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स टू फ्रॉम द लेफ्ट विच मीन्स एक्स इज लेस देन टू, तो हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आएगा टू एक्स प्लस वन, बिकॉज वेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। तो अब हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू और एफ ऑफ एक्स है टू एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे हम x को पुट कर देंगे 2 के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू टू प्लस वन एंड दिस इज इक्वल टू 4 प्लस वन एंड दिस इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे व्हेन x अप्रोचेस 2 फ्रॉम द राइट एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स होगा 7 माइनस एक्स के इक्वल, बिकॉज व्हेन x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 from the right, it means that x is greater than 2. और यहाँ पे हम देख सकते हैं जब x 2 से greater है हमारे पास function है 7 minus x के equal. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा limit x approaches 2 और f of x है 7 minus x. अब यहाँ पे हम x की जगह put कर देंगे 2 को, तो हमारे पास आ जाएगा 7 minus 2 and this is equal to 5. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट 5 के इक्वल है और राइट हैंड लिमिट भी 5 के इक्वल है। सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू फ्रॉम द लेफ्ट f ऑफ x दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू फ्रॉम द राइट f ऑफ x दिस इज इक्वल टू 5। सो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट हमने ये चेक करना है वेदर लिमिट एक्स अप्रोचेस 4 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट और नॉट। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस 4 फ्रॉम द लेफ्ट एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू, अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो होगा वो 7 माइनस एक्स के इक्वल होगा बिकॉज एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 4 फ्रॉम द लेफ्ट विच मीन्स एक्स इज लेस देन 4। तो अब जब x 4 से लेस है तो फंक्शन होगा 7 माइनस एक्स के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 4 एंड f ऑफ x इज 7 माइनस एक्स, x की जगह पुट कर देंगे 4 को तो हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट टर्म राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x approaches 4 from the right f of x this is equal to, now x is approaching towards 4 from the right which means x is greater than 4 and when x is greater than 4 f of x is equal to x, to hamare paas aa jayega limit x approaches 4 aur f of x hai x ke equal, x की जगह 4 पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखा जा सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट सिंस लिमिट x अप्रोचेस 4 फ्रॉम द लेफ्ट f ऑफ x दिस इज नॉट इक्वल टू लिमिट
x approaches 4 from the right, f of x. This implies that limit x approaches 4, f of x does not exist. अब तक हम ये देख चुके हैं लिमिट x approaches c f of x this is equal to f of c, लेकिन हमारे पास कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें लिमिट x approaches c f of x is not equal to f of c, और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें f of c डिफाइंड नहीं होता लेकिन लिमिट x approaches c f of x एग्जिस्ट कर रही होती है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर. तो इसमें पहले हमारे पास है कॉन्टिन्यूस फंक्शन. एक फंक्शन नंबर सी पे तभी कॉन्टिन्यूस होगा जब ये तीन कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही होंगी. फर्स्ट कंडीशन है एफ ऑफ सी इज डिफाइंड. सेकंड कंडीशन है लिमिट x approaches c f of x exists, और थर्ड कंडीशन है लिमिट x approaches c f of x is equal to f of c, और यहाँ पे जो कन्वर्स है दैट इज ऑल्सो ट्रू. और इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हो तो फंक्शन नंबर c पे कॉन्टिन्यूस होगा, और अगर इन तीनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन डिससेटिस्फाई हो जाए देन फंक्शन नंबर सी पे डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा. नेक्स्ट हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स ताकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन और डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन की ज्यादा अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो सके. एग्जाम्पल नंबर टू है कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन. अब यहाँ पे हमने इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है तो इसका आप करते हैं सॉल्यूशन. अब हम जानते हैं एक फंक्शन के नंबर सी पे कॉन्टिन्यूस होने के लिए तीन कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन है एफ ऑफ सी इज डिफाइंड. लेकिन अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसमें अगर एक्स की जगह वन पुट किया जाए तो हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा. तो इसका मतलब ये है एफ ऑफ वन इज नॉट डिफाइंड. हेयर एफ ऑफ वन इज नॉट डिफाइंड. तो इसका मतलब यह है कि फंक्शन वन पे डिसकॉन्टिन्यूज है. दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज discontinuous at 1. Next term f of x पे apply करेंगे limit as x approaches 1. Further limit x approaches 1 f of x this is equal to limit x approaches 1 x square minus 1 over x minus 1. अब यहाँ पे हम directly x को 1 के equal नहीं put कर सकते क्योंकि हमारे पास 0 over 0 form बन जाएगी. तो यहाँ पे अब हम algebraic techniques apply करेंगे. हमारे पास आ जाएगा limit x approaches 1 x square minus 1 को लिखा जा सकता है x minus 1 into x plus 1 over x minus 1. x minus 1 x minus 1 से cancel हो जाएगा और अब हम limit apply कर देंगे और x को put कर देंगे 1 के equal. तो हमारे पास आ जाएगा 1 plus 1 and this is equal to 2 which is a finite number. तो इससे ये prove हो जाता है कि f of x 1 के अलावा बाकी जितने भी numbers हैं उन सब पे continuous है. Therefore, f of x is continuous
एट एनी अदर नंबर एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू वन. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर थ्री. For f of x is equal to 3x square minus 5x plus 4, discuss continuity of f at x is equal to 1. अब इसका करते हैं solution. एक function, एक number c पे continuous तब होता है जब हमारे पास तीन conditions satisfy हो रही हो, और उसमें पहली condition है f of c is defined. Second condition है limit x approaches c f of x exists. और third condition है limit x approaches c f of x is equal to f of c. अब यहाँ पे हमारे पास ये जो फंक्शन है, हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है x इज इक्वल टू वन पे. हमारे पास f ऑफ x है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4. तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को वेरीफाई करेंगे. हमारे पास c है 1 के इक्वल, तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ 1 एंड दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4. दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 5 प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 2. सो दिस मीन्स दैट f ऑफ 1 इज डिफाइंड. नेक्स्ट हमने सेकंड कंडीशन को वेरीफाई करना है. एक फंक्शन की जो लिमिट होती है वो तभी एग्जिस्ट करती है जब राइट हैंड लिमिट इक्वल हो लेफ्ट हैंड लिमिट के. तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट. लिमिट एक्स अप्रोचेस वन फ्रॉम द लेफ्ट एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू लिमिट x approaches 1 और f of x है 3x square minus 5x plus 4. This is equal to 3 into 1 square minus 5 into 1 plus 4 and this is equal to 2. Next हम find करेंगे right hand limit. तो हमारे पास आ जाएगा limit x approaches 1 from the right f of x this is equal to limit x approaches 1 3x square minus 5x plus 4 and this is equal to 3 into 1 square minus 5 into 1 plus 4 and this is equal to 2. Since limit x approaches 1 from the left f of x this is equal to limit x approaches 1 from the right f of x this is equal to 2. So limit x approaches 1 f of x exists. अब हमने वेरीफाई करनी है थर्ड कंडीशन. अब हमारे पास f of 1 है 2 के इक्वल. ऑल्सो लिमिट x approaches 1 f of x this is equal to limit x approaches 1 3x square minus 5x plus 4 and this is equal to 2. This implies that f of 1 is equal to limit x approaches 1 f of x. अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्टिन्यूटी की तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो चुकी हैं. देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस
at x is equal to 1. So this is the required result. Next, example number 4. Discuss the continuity of f of x and g of x at x is equal to 3. और f of x है हमारे पास x square minus 9 over x minus 3 if x is not equal to 3 and f of x is equal to 6 if x is equal to 3. अब इसका करते हैं solution. अब हमने function की continuity को discuss करना है at x is equal to 3. तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारे पास f of 3 एक्जिस्ट करता है या नहीं करता. अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखा जा सकता है f of x है 6 के इक्वल if x is equal to 3 which means f of 3 is equal to 6 given f of 3 is equal to 6. So this means the function f is defined at x is equal to 3. Next हम ये चेक करेंगे limit x approaches 3 f of x whether exist or not. तो उसके लिए हम find करेंगे f of x की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और चेक करेंगे कि क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आती है या नहीं आती. पहले हम कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 फ्रॉम द लेफ्ट एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू. अब यहाँ पे देखा जा सकता है f of x हमारे पास है x square minus 9 over x minus 3 के इक्वल if x is not equal to 3. Now x is approaching towards 3 from the left but it is not equal to 3. तो हमारे पास अब आ जाएगा limit x approaches 3 x square minus 9 over x minus 3 and this is equal to limit x approaches 3 x square minus 9 को हम लिख सकते हैं x minus 3 into x plus 3 divided by x minus 3 x minus 3 x minus 3 से cancel हो जाएगा और x को put कर देंगे 3 के equal तो हमारे पास आ जाएगा 6. next हम find करेंगे right hand limit. Limit x approaches 3 from the right f of x this is equal to limit x approaches 3 x square minus 9 over x minus 3 this is equal to limit x approaches 3 x minus 3 into x plus 3 over x minus 3 x minus 3 x minus 3 से cancel और x को पुट कर देंगे 3 के इक्वल तो 3 प्लस 3 इज 6. अब यहाँ पे देखा जा सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू दी राइट हैंड लिमिट सिंस लिमिट x अप्रोचेस 3 फ्रॉम द लेफ्ट f ऑफ x दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 3 फ्रॉम द राइट f ऑफ x दिस इज इक्वल टू 6. This implies that limit x approaches 3 f of x exists. Limit x approaches 3 f of x this is equal to limit x approaches 3 x square minus 9 over x minus 3 this is equal to limit x approaches 3 x minus 3 into x plus 3 over x minus 3 x minus 3 x minus 3 से cancel और x की जगह 3 को put करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 6.
therefore limit x approaches 3 f of x this is equal to 6 as limit x approaches 3 f of x this is equal to 6 and this is equal to f of 3 तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो चुकी है देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3 अब हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है उसका एक दफा ग्राफ भी देख लेते हैं यह आ चुका है हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन वी नो दैट एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 6 तो यहां से हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 3 6 एक्स कोऑर्डिनेट है 3 के इक्वल और वाई कोऑर्डिनेट है 6 के इक्वल तो ये है पॉइंट 3 6 एंड वी नो दैट एफ ऑफ एक्स This is equal to x square minus 9 over x minus 3 if x is not equal to 3. तो हमारे पास यहाँ पे f of x आ जाएगा x plus 3 के equal. अब हम points find कर लेंगे. When x is 0, f of 0 हमारे पास आ जाएगा 3 के equal. When x is 2, f of 2 आ जाएगा 5 के equal. When x is equal to 4, f of 4 आ जाएगा 7 के equal. तो ये है point 0.3. This is point 2.5. And this is point 4.7. एक graph को बनाने के लिए इतने points enough हैं. अब हम इन points को join कर देंगे. तो ये हमारे पास f of x का ग्राफ आ चुका है और यहाँ पे ग्राफ में नोटिस किया जा सकता है हमारे पास किसी भी किस्म का ब्रेक नहीं है और इससे ये शो होता है कि f of x एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है नेक्स्ट हमने g of x की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है एट x इज इक्वल टू 3 और हमारे पास g of x है x square minus 9 over x minus 3 if x is not equal to 3. अब इसका करते हैं solution. अब हमने g of x की continuity x is equal to 3 पे discuss करनी है. लेकिन x is equal to 3 पे g of x define ही नहीं है. As g of x is not defined at x is equal to 3 अब यहाँ पे continuity की जो first condition है वो ही satisfy नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है g of x discontinuous है x is equal to 3 पे this implies that g of x is discontinuous at x is equal to 3 अब हम g of x का ग्राफ देख लेते हैं यह है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन g of x हमारे पास है x square minus 9 over x minus 3 के equal if x is not equal to 3 अब हमारे पास g of x आ जाएगा x plus 3 के equal अब हम जानते हैं g of x, x is equal to 3 पे defined नहीं है. तो यहाँ पे अब हम g of x में x को 3 के equal नहीं put कर सकते. और अगर हमारे पास x 0 के equal हो, तो g of 0 आ जाएगा 3. If x is 2, then g of 2 is 5. If x is 4, g of 4 आ जाएगा 7 के equal. This is point 0.3 ये हमारे पास है पॉइंट 2.5 और ये है पॉइंट
4, 7. अब यहाँ पे अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास वो जो लाइन होगी वो पॉइंट 3, 6 से भी पास करेगी, लेकिन पॉइंट 3, 6 इस ग्राफ में इंक्लूडेड नहीं होगा। अब यहाँ पे देखा जा सकता है x इज इक्वल टू 3 पे एक ब्रेक आ रहा है एंड दिस शोज दैट g ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3. सो दिस इज द फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5. डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ f एट 3 व्हेन f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 3, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. अब इसका करते हैं सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे f ऑफ 3 और चेक करते हैं क्या f ऑफ 3 हमारे पास डिफाइंड है या नहीं है. जब x 3 के इक्वल होगा तो हमारे पास f ऑफ x हो जाएगा 2x प्लस 1, तो यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा 3. सो f ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 7. दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ 3 इज डिफाइंड. नेक्स्ट हम सेकंड कंडीशन को वेरीफाई करेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट. लिमिट x अप्रोचेस 3 फ्रॉम द लेफ्ट f ऑफ x इज इक्वल टू, अब यहां पे देखा जा सकता है व्हेन x इज लेस देन 3 f ऑफ x इज x माइनस 1. तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 3 और यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ x की जगह x माइनस 1. अब हम x की जगह 3 पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2. तो ये आ चुकी है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट. अब हम कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड लिमिट. तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 3 फ्रॉम द राइट f ऑफ x दिस इज इक्वल टू, नाउ x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 3 फ्रॉम द राइट विच मीन्स x इज ग्रेटर देन 3. And when x is greater than 3, f of x is equal to 2x plus 1. तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x approaches 3 और f of x की जगह आ जाएगा 2x plus 1. x की जगह 3 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2 into 3 plus 1. This is equal to 6 plus 1 and this is equal to 7. अब यहाँ पे देखा जा सकता है left hand limit right hand limit के equal नहीं आ रही. Since लिमिट x अप्रोचेस 3 फ्रॉम द लेफ्ट f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 3 फ्रॉम द राइट f ऑफ x. अब यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही एंड दिस मीन्स लिमिट x अप्रोचेस 3 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट. अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्टिन्यूटी की सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है x इज इक्वल टू 3 पे f ऑफ x कॉन्टिन्यूस नहीं है. Hence, f ऑफ x इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3. अब हम f ऑफ x का एक दफा ग्राफ ही बना लेते हैं. नाउ वी नो दैट f ऑफ x दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 इफ x इज लेस देन 3. अब यहाँ पे f ऑफ x में अगर x को 3 के इक्वल पुट कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 2 और यहाँ से जो पॉइंट जनरेट हो रहा है वो है 3, 2. लेकिन ये पॉइंट f ऑफ x के ग्राफ में इंक्लूडेड नहीं होगा बिकॉज x इज लेस देन 3. अब हम इसका कोई भी एक रैंडम पॉइंट फाइंड कर लेते हैं ताकि हमारे पास
जो स्ट्रेट लाइन बननी है उसकी प्रिसाइज डायरेक्शन आ जाए, तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं एफ ऑफ जीरो, तो ये आ जाएगा माइनस वन के इक्वल। तो यहाँ से पॉइंट आ गया है जीरो माइनस वन, तो ये है हमारे पास पॉइंट 32, जो कि एफ ऑफ एक्स के ग्राफ में इंक्लूडेड नहीं है, एंड दिस इज पॉइंट जीरो माइनस वन। तो ये आ चुका है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का ग्राफ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री। तो हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ थ्री आ जाएगा सेवन के इक्वल, तो पॉइंट बन जाएगा 3 7। इसका कोई भी एक और रैंडम पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, एफ ऑफ फोर दिस इज इक्वल टू 9, तो पॉइंट है यहाँ पे 4 9। अब यहाँ पे जो पॉइंट है 3 7, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 के ग्राफ में इंक्लूडेड होगा, सिंस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ये है हमारे पास पॉइंट 3 7 एंड दिस इज पॉइंट 4 9। अब यहाँ पे ग्राफ में देखा जा सकता है x इज इक्वल टू 3 पे एक ब्रेक है, दिस मीन्स एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। सो दिस इज द फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शंस एंड डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शंस क्या होते हैं, और इसके अलावा हमने कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया है रिलेटेड टू कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे आप अगले लेक्चर में।